वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक में। दोस्तों आज के वीडियो में देखने वाले हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप सभी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आप सभी इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि जीएस के जो है 25 क्वेश्चन, मैथ के जो है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और यहाँ पर इंग्लिश के जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में जो है जीएस के सभी 25 क्वेश्चन आप सभी को बताऊंगा, तो वीडियो को जो है आप सभी पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ऊपर दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है? यहाँ पर ऑप्शन है INS चक्र, INS अरिहंत, INS सल्की या INS सिंधुवीर। तो करेक्ट आंसर इसका था ऑप्शन नंबर बी था, INS अरिहंत जो है भारत की पहली जो है स्वदेशी परमाणु जो है पनडुब्बी थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा जो है बनी छवि जो है कैसी होती है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया था आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा। जो उत्तल दर्पण की जो छवि बनती है ये हमेशा जो है आभासी और सीधा बनती है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक रूम हीटर के क्वाइल को जो है क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं, फॉइल कहते हैं, इलामेंट एलिमेंट कहते हैं, स्प्रिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक रूम हीटर के कॉइल को क्या कहा जाता है? इसको जो है इलामेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन है, तांबे की परमाणु संख्या जो है कितनी होती है? जो तांबा होता है, कॉपर की जो परमाणु संख्या होती है ये कितनी होती है? 29 होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गैसों में से किस गैस की गंध जो है सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है? तो कौन सी गैस है जो कि सड़े अंडे जैसे जो है गंध देता है? तो ये गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में जो है मतदान की आयु को जो है 21 वर्ष से जो है 18 वर्ष कर दिया गया था? कौन सा संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से जो है 21 साल जो एज थी उसको जो है 18 साल कर दिया गया था मतदान देने के लिए? 73वां संविधान संशोधन, 61वां, 42वां या फिर 91वां संविधान संशोधन? तो ये कौन सा संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष मतदान की आयु कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। देखिए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जो है कम कर दिया गया था और ये संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, लागू किया गया था। 42वें संविधान संशोधन इतना बड़ा था कि इसको जो है मिनी संविधान कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि संविधान संशोधन को जो है मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है कुल मंत्रियों की संख्या सदन के कुल सदस्यों के जो है 15% सीमित थी। तो यानी कि जितने भी मंत्री बनाए जाएंगे कुल सदस्य संख्या का जो है 1/15 भाग यहाँ पर बनाए जाएंगे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक यहाँ पर दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए सातवां है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो है कितने विटामिन होते हैं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल कितने विटामिन होते हैं? 8 विटामिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर डिटेल दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं। तो इनमें जो है नाम बता दें आप सभी को, इनमें 8 विटामिन है जिसमें थियामिन है, रिबोफ्लेविन है, नियासिन है, पेंटोथेनिक है, एसिड है, पाइरोडेक्सिन है, बायोटिन है, फॉलिक एसिड और कोबाइल लिम्स हैं।
तो ये टोटल मिलाकर 8 है, यहाँ पर विटामिन होते हैं बी में। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है भीतर कनिका जो है राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, तो भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये है उड़ीसा राज्य में, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, नौवां, न्यूटन का गति के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम होता है इस नियम को क्या कहा जाता है, संवेग के संरक्षण का नियम, जड़ता का नियम, या दो पारस्परिक क्रिया करने वाली वस्तुओं पर लगने वाला बलों के बीच संबंध का वर्णन करता है, या संवेग में परिवर्तन के बारे में बताता है। तो करेक्ट आंसर न्यूटन का जो दूसरा नियम है संवेग में परिवर्तन के बारे में बताता है, तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं, डिटेल भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां है, किस नियम के जो है नियम में कहा गया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रवाहित चुंबकीय वा प्रवाह लीकेज के परिवर्तन के दर के लिए जो है सीधे समानुपातिक होता है, तो ये किसका नियम है, लेंज का नियम है, ओम का नियम है, फैराडे का नियम है, या किरचॉफ का नियम है, तो ये किसका नियम होता है, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय नियम होता है, तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 11, साबरमती जो है नदी भारत के किस राज्य से निकलती है, जो साबरमती नदी है किस राज्य में से निकलती है, तो ये जो है राजस्थान से निकलती है, तो करेक्ट आंसर इसका है बी ऑप्शन। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो क्रिकेट का है, बैडमिंटन का है, हॉकी का है, फुटबॉल का है, तो ये किसका है, हॉकी का, ये जौहर कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 13 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पहली बार भारतीय राष्ट्रगान की जो है किस वर्ष गाया गया था, तो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन जो कि कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, तो ये मिसाइल कौन सा है, अस्त्र मिसाइल जो है हवा से हवा में मार करता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है 2019 में दुनिया का पहला पूर्ण विकसित 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च करने वाला पहला देश बना है, तो ये कौन सा देश बना है, ये बना है दक्षिण कोरिया, जो कि सैमसंग की कंपनी वहाँ पर है, तो 5G मोबाइल सबसे पहले लॉन्च करने वाला देश बन गया है दक्षिण कोरिया, तो कौन सी कंपनी ने बनाया है ये यहाँ पर क्लियर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर, कॉलम ए और बी को मिलान करना है, देखिए विटामिन से संबंधित है, विटामिन सी आप सभी को पता होगा एस्कार्बिक एसिड होता है, विटामिन ए को जो है रेटिनॉल कहते हैं, और यहाँ पर जो है यहाँ पर देख लेंगे दो ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट का जो है सी ऑप्शन किस में है, फर्स्ट का विटामिन ए का बी, फर्स्ट का बी जिसमें होगा, फर्स्ट का बी इसमें भी है और इसमें भी है, इन दोनों में इतना ही है तो कट जाएगा, और थर्ड का जो है ए वाला ऑप्शन किस में है, थर्ड का ए ऑप्शन, यहाँ पर देखिए थर्ड का ए इसमें है इसमें नहीं है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 17 नंबर, 1969 में कितने बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 1969 में जो है कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया 18 नंबर, द वाइट टाइगर के लेखक कौन है, तो वाइट टाइगर जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, अरविंद अढ़िया के द्वारा इसको लिखा गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 19 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब होता है, 24 दिसंबर को होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है,
20 नंबर, किस भारतीय शहर को जो है प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है? नई दिल्ली, वाराणसी, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो इसमें इसका नाम हो गया है प्रयागराज, प्रयागराज हो गया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री देने वाला ये यहाँ पर शहर है। कुल अब तक जो है 15 प्रधानमंत्रियों को जो है ये यहाँ से नियुक्त हो चुके हैं। अगला देखिए, 21 नंबर है, भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दुगनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाती है? तो ये किसका नियम है? ये जो है कूलाम का नियम है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब प्रकाश तरंगे हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो कौन से कारक प्रभावित होते हैं? तो कौन से कारक होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो था यहाँ पर तरंग दैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर जो है यानी कि आवृत्ति प्रवाहित होती है। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, म्यांमार जो है कितने भारतीय राज्यों के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो म्यांमार जो है कुल मिलाकर 4 राज्यों से जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिसमें है अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है। तो कुल मिलाकर जो है 4 राज्य हैं, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ये 4 राज्य हैं जो कि सीमा को साझा करते हैं और 1624 किलोमीटर सीमा यहाँ पर साझा करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है उसका नाम है अमेजन नदी, और सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो नील नदी सबसे लंबी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। और ये जो है नदी ये दक्षिण अमेरिका में है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए, यहाँ पर 25 नंबर, किस खिलाड़ी ने 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है? तो राजीव गांधी सबसे बड़ा जो है खेल पुरस्कार है, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार राजीव गांधी है। तो ये किसने जीता है? विराट कोहली ने जीता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। तो ये 15 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे, एक क्वेश्चन मैं आप सभी को एक्स्ट्रा यहाँ पर दे रहा हूँ, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर जो है आप सभी कमेंट में यहाँ पर बताइएगा, किस स्थान पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुव रेखा पर? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।